नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर जो राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में राजस्थान में 21 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, उनकी मैं आपको पूरी सूची दूंगा कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है और कब उसको कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करो पर एक बार इस चैनल को ओपन करो और प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ। वहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर क्या कंटेंट है उसको आप जरूर देखो। आप पाओगे कि राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो भी कंपिटिशन के अंदर अन्य सब्जेक्ट आते हैं उन सब्जेक्ट के टॉपिक आपको वहां पर मिलेंगे, जिसके अंदर कोई भी, जैसे मान लिया कि राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक ले लिया, उसके अंदर उस टॉपिक को कंप्लीट उसी क्लास के अंदर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कंप्लीट चीजें, जिसको अपन बोलते हैं गागर में सागर भरना, उस फॉर्मेट के अंदर समझा रखी है। लगभग मैंने राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर के काफी टॉपिक यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। बाकी टॉपिक पर काम चल रहा है, वो जल्दी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और ये अपडेट लेने के लिए आप मुझे भी, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि सर इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं हम भी सर को कुछ सपोर्ट करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करो। चलो बिना किसी देरी के आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में 21 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, तो आपसे सीधा सीधा एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं, तो 21 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। ये मैं जो भी डाटा बता रहा हूँ वो पूरे अपडेटेड डाटा है, जिसके अंदर अभी नया जो कंजर्वेशन रिजर्व बना है उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। पहले 20 थे, वर्तमान में राजस्थान में 21 कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। अगर इसमें ये लाइन मैंने सबसे ऊपर लिखी है, ये सबसे लास्ट में लिखी जानी चाहिए, लेकिन ये ऊपर इसलिए लिखी है कि ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नया जो बना है वो करंट के माध्यम से भी आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में जालाना आमागढ़, जो जालाना आमागढ़ जयपुर है, जो हाल ही में जालाना आमागढ़ जयपुर है को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। राज्य के 21वें कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचना इसकी जारी कर दी है, तो ये 21वां बन गया है। जब किसी चीज की अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो उसको इंक्लूड किया जाता है, तो इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21वें कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जालाना आमागढ़ जयपुर को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जालाना आमागढ़ जयपुर को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया है। आपसे पूछा जा सकता है जालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, जयपुर है, आपसे पूछा जा सकता है। जो 21वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो किसको घोषित किया, तो आपको ध्यान रखना है जालाना आमागढ़ जयपुर को किया गया है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब जो 21 कंजर्वेशन रिजर्व है उनकी सूची में आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। बीसलपुर टोंक के अंदर 2008 के अंदर इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, तो बीसलपुर टोंक 2008 आपको ध्यान रखना है। बीसलपुर टोंक में बीसलपुर बांध भी बना हुआ है, जिससे जयपुर को पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है। ध्यान रखना है बीसलपुर टोंक 2008 कंजर्वेशन रिजर्व है। जोहड़बीट गढ़वाल बीकानेर 2008, जोहड़बीट गढ़वाल बीकानेर के अंदर है, उसको भी 2008 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। जोहड़बीट बीकानेर आप पढ़ते भी हो, जोहड़बीट बीकानेर के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। सुंदा माता जालोर व सिरोही 2008, सुंदा माता को भी कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है, जो 2008 के अंदर शामिल किया गया था। और ये सारे क्रम से आपको बता रहा हूँ, पहले किसको किया गया था, उसके बाद किसको किया गया था। 2008 के अंदर 3 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए थे। उसके बाद चौथा कंजर्वेशन रिजर्व है गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, जिसको 2011 के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया गया था। इसके अंदर जो सन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप का था मैं आपको बता देता हूँ। एक साइड जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनकी सूची आएगी, दूसरी साइड उनका स्थान आएगा, उनको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आता है। ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे। गुड्डा बिश्नोई जो कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पर है, तो आपको बता देना है जोधपुर के अंदर है। साकरम्बी कंजर्वेशन रिजर्व है वो सीकर व झुंझुनू के अंदर है, 2012 में इसको स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखना है साकरम्बी सीकर व झुंझुनू के अंदर है। गोगेलाव नागौर के अंदर 2012 के अंदर है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोगेलाव नागौर, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि गोगेवाल कहां पर है, गोगेवाला कहां पर है, गोगेलाव कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है नागौर के अंदर है। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर के अंदर है, जो 2012 के अंदर इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। बीड है वो झुंझुनू के अंदर है, 2012 के अंदर स्थापित हुआ था, बीड झुंझुनू के अंदर है। तो आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो गायों भैंसों के चरने के स्थान होते हैं उनको भी बीड बोलते हैं, तो बीड कहाँ पर है, बीड झुंझुनू के अंदर है। 2012 में कंजर्वेशन रिजर्व इसको घोषित किया था। रोटू भी इंपॉर्टेंट है, रोटू और गोगेलाव पूछा जाता है बार बार, क्योंकि ये नाम थोड़े अजीब से लगते हैं, अलग लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रोटू नागौर के अंदर है, जो 2012 के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में शामिल हुआ था। उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर है, 2012 में कंजर्वेशन रिजर्व इसको बनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर है, 2012 में इसको कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। जवाई बांध लेपर्ड है पाली के अंदर है, 2013 में इसको कंजर्वेशन रिजर्व शामिल किया गया था, जवाई बांध लेपर्ड पाली के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है जवाई बांध लेपर्ड कहाँ पर है, पाली के अंदर है। जो है वो है
बांसियाल जो खेतरी झुंझुनू के अंदर है, आपको पता है खेतरी में तांबा निकलता है, तो ध्यान रखना है बांसियाल खेतरी झुंझुनू 2017 में कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में शामिल हुआ था। बांसियाल खेतरी बागोर एक ये भी है, ये भी ध्यान रखना है। बांसियाल के अंदर दो है, एक तो खेतरी के अंदर झुंझुनू में, एक खेतरी बागोर के अंदर झुंझुनू में 2018 में शामिल किया गया था। तो ये दोनों ही कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, तो झुंझुनू के अंदर है, बांसियाल नाम से है। जवाई बांध लेपर्ड सेकंड है, जो पाली के अंदर 2018 के अंदर शामिल किया गया था। जवाई बांध लेपर्ड, जवाई बांध दो है, एक तो जवाई बांध फर्स्ट है, दूसरा जवाई बांध लेपर्ड सेकंड है, जो पाली 2018 के अंदर शामिल किया गया था कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर। मनसा माता झुंझुनू के अंदर 2019 के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। मनसा माता झुंझुनू के अंदर है, मनसा माता कहां है, झुंझुनू के अंदर है। शाहबाद के जंगल बारा के अंदर है, आपसे कई बार पूछा गया है शाहबाद के जंगल बारा के अंदर जो है कि कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में शामिल है, ठीक है। ये भी नया 2022 के अंदर था, 2022 में जब वीडियो वगैरह का एग्जाम हुआ था, जब बच्चों को हम पढ़ाते थे तो इसको बहुत अच्छे से समझाते थे। रणखार जालोर के अंदर जो 2022 के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में शामिल हुआ। 2022 के बाद जितने भी हुए वो करंट अफेयर में भी पूछे जा सकते हैं और कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 22-23 वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अच्छे से याद करोगे। रणखार जालोर के अंदर है 2022 के अंदर, 16वां कंजर्वेशन रिजर्व था। 17 शाहबाद तलाई बारा के अंदर है 2022 के अंदर, इनको भी इनके साथ ही रणखार और शाहबाद और बीड घास फुलिया खुर्द ये तीनों को एक साथ किया था, तो आपको ध्यान रखना है। रणखार जालोर के अंदर है 2022 के अंदर बनाया था, शाहबाद तलाई बारा के अंदर है 2022 के अंदर बनाई थी, बीड घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा 2022 के अंदर इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया था। बीड घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा 2022 के अंदर, एक मैंने बीड आपको झुंझुनू में भी पढ़ाया था, ये दूसरा है बीड घास फुलिया खुर्द जो भीलवाड़ा के अंदर है 2022 में कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में शामिल हुआ था। बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है उदयपुर के, 2022 के अंदर इसको कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया था। बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व आपसे पूछा भी गया है पीछे के एग्जाम में, तो ध्यान रखना है उदयपुर के अंदर है, 2022 के अंदर इसको कंजर्वेशन रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है सिरोही के अंदर है, वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है वो सिरोही के अंदर है, ध्यान रखना है। वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, तो वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है सिरोही के अंदर है। जालाना आमागढ़ जयपुर के अंदर है, उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। सबसे नवीनतम आपसे पूछे है, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जालाना आमागढ़ जयपुर के अंदर है, जिसको कंजर्वेशन रिजर्व की सूची के अंदर शामिल किया गया है, जो सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व भी है, ठीक है। राज्य में 21वें कंजर्वेशन जो है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, और ये जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अपडेट, अगर आपके पुराने नोट्स है तो आप उनको नोट उनको अपडेट कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके कंजर्वेशन रिजर्व के पुराने आपके नोट्स है उसके अंदर ये 21वां पॉइंट जोड़ लेना, जालाना आमगढ़ जयपुर को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, जो सबसे नवीनतम है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, और जो पहले आपने 20 लिख रखे थे उसको काट के 21 कर लेना, और 21वां ये नवीनतम अपडेट कर लेना। आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही शॉर्ट के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक जैसे नृत्य हो गए, आभूषण हो गए, झीलें हो गई, नदियां हो गई, राजस्थान के जितने भी टॉपिक है, अदर एग्जाम के भी और जो भी अदर सब्जेक्ट के टॉपिक है, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। मैंने कहीं टॉपिकों को बहुत ही शॉर्ट के अंदर, जिसके अंदर 1857 की क्रांति ले लो, चाहे आप राजनीतिक आंदोलन ले लो, सारी चीजों को मैंने शॉर्ट में कर रखी है। जो जो टॉपिक नहीं कर रखे वो बता दूंगा। आप राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, LDC, RS, SI, आपके जो जो टॉपिक है वो सारे टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स आपको रिविजन के तौर पर, और आप नए स्टूडेंट भी पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाए, उस फॉर्मेट के अंदर मैंने सारी चीजें प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप एक बार इस चैनल का कंटेंट जरूर देखे, आपको फायदा मिलेगा। ये PDF आपको चाहिए तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो प्लीज लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करो। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, टेक केयर, जय हिंद।